भैंस का दूध जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैं करता हूँ गाय के दूध का काम होती है वरना जानवरों का टॉपिक आपके लिए भी मेरे लिए भी ऐसा है कि हम दो दिन भी बैठे रहें तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी अच्छा दूसरे वो लोग हैं जो कि मंडी अवॉइड करते हैं आजकल के अपना सीजन देखा है पिछले दो साल से लेकिन जो वी पैकेज है वो मेरा थर्टी से स्टार्ट होता है। पर मंथ लेकिन बहुत सारे कराची के लोग चाहते है। हैं कि यार जानवर हम खुद लेके जाएं घर पे मोहल्ले में ठहलाएँ वाले से जो हमारे पास कस्टमर्स थे जिनको गाय का दूध में असर नहीं है या फिर जो नहीं हो रहा होता है या फिर कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है उनके पास के प्योर गाय का दूध बस ये लोगों को इंटरटेन करने के लिए लोगों के शौक के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक फैसिलिटी हमने बनाई है जिस तरह आप देखते हैं कुर्बानी का जुनून होता है यहाँ पे कराची में लंबी डिजीज लेकिन एक मैंने एक दे देती है लोगों को कि यार अगर काम करना है तो इस तरह से करेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो बरकत भी देगा काम में और जानवर की इज़्ज़त करो आपकी इज़्ज़त करेगा जानवर को एक लिविंग बींग समझो आप उसको अपना एसेट नहीं समझो कारोबार का कि यार गाय है दूध निकाला बच्चे को दूध नहीं पिलाया फ़ारक कर दिया वैसी बाजारों में बेच दिया बच्चों को नहीं मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम है Wait, अलैक कैसे आप खैर खरीद से आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं आज तो आज जाने की तैयारी है पूरा फॉर्म है कैटल फॉर्म है बेसिकली दोस्त हैं हमारे बिलाड़ फारूकी भाई उनका दोनों ने हमें इनवाइट किया है तो आज वहाँ जा जाने की तैयारी तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं वीडियो देखें और इन्जॉय करें फुटेज दे दूंगा आप उसमें बता भी दीजिएगा कि जो लोकेशन है फिर एज अ बिजनेस किस तरीके से देखिए जो जो आपका है हाँ, सिस्टम रखने के लिए वो पलाई का वो जो होता है बने वो भी स... बताइएगा वो सही है और अगर वो उसकी आपके पास डाटा है तो वो मुझे हाँ, दे मुझेगा असल आज बिलाल भाई के पास आए इंट्रो आप जैसे देख लिया होगा आपने तो बिलाल भाई से बात करते हैं इनका बुराक फार्म के नाम से है तो बिलाल भाई से बात करते हैं बाकी आपको यही बताएँगे अल्पम्म बिलाल भाई वालेकुम अस्सलाम बिलावल भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला हमारे पास आए आ, दूसरा सारी आपकी ऑडियंस है उसको मेरी तरफ से सलाम सेकेंडली जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन दिखाया बिलावल भाई हमारा अलबराक फार्म है आ, बेसिकली शौक ओरिएंटेड एक बिजनेस है जो कराची की मार्केट या पाकिस्तान के शौक को देखते हुए जानवरों के रिलेटेड स्टार्ट किया गया था ऑब्वियसली मेन सपोर्ट नहीं है हमारा ये लेकिन बस ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए लोगों के शौक के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक फैसिलिटी हमने बनाई है जिस तरह आप देखते हैं कुर्बानी का जुनून होता है यहाँ पे कराची में स्पेशली करा, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बात नहीं करूँगा लेकिन कराची को अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत जो है ना लोग जोश व खरोश से जो है वो uh, कुर्बानी का जो हमारा फेस्टिवल है ईद कर्बाँ बड़े शौक से मनाए जाते हैं अच्छा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है अब इस तरह से जिस तरह पहले हमारे पास कस्टमर सिर्फ कराची के होते थे अब हैदराबाद लाहौर इस तरह के बहुत सारे जो कैटल हमारी एसोसिएशन है वो उस पर मीटिंग्स करती है तो इस बार हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं पिछले कोई दो साल से तीन साल से ये ट्रेंड है कि कराची से माल लाहौर जाता है तैयार हो के यहाँ से अच्छा ना ये हो गई बात कैटल फार्मिंग की कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक फैसिलिटी हमने बनाई है अच्छा ये भाई जो हमारे पास बैठे हुए हैं मेरे दोस्त मेरे कज़न मेरे भाई अमज भाई तो ये मुझे सपोर्ट करते हैं चीज़ों में आ, सपोर्ट क्या करते हैं दोनों मिलकर ये सारा काम जो है सब चीज़ें संभाल रहे हैं अकेले आदमी का काम नहीं है सही बात है मोस्टली उसके बाद फिर मेरी सारी टीम है जो हमारी लेबर होती है जानवरों का ख़्याल करना उनको टाइम पे खाना देना चीज़ें करना तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कैटल का उसके हवाले से और दूसरा जो एक काम यहाँ पे और भी कर रहा हूँ वो है एक डेरी फार्मिंग डेरी फार्मिंग सर आप लोग ने देखा होगा यहाँ पर यूजली जो है ना बाज़ारों में ये भैंस का दूध जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैं करता हूँ गाय के दूध का काम आ, अच्छा वो इतने लंबे डिबेट में नहीं जाऊँगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में गाय का दूध इस्तेमाल होता है चाहे वो न्यूज़ीलैंड ले लें हॉलैंड ले लें स्विट्जरलैंड ले लें यू ले लें ले, ले ले, हर जगह गाय का दूध इस्तेमाल होता है और बहुत एतबार से बेहतर है भैंस के यहाँ पर जो है वो फ़ायदा ज़्यादा मिले जाते हैं हमारा जो एटमोसफेर है हमारा जो क्लाइमेट है तो बुराई की बात नहीं है हर कंट्री का अपना अपना एक क्लाइमेट होता है हर कंट्री की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उधर की डाइट्स इस तरह से होनी चाहिए तो पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टीनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है बैस का दूध ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उस हवाले से जो हमारे पास कस्टमर्स थे जिनको गाय का दूध में असर नहीं है या फिर जो नहीं हो रहा होता है या फिर कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है उनके पास कि प्योर गाय का दूध मिले उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये एक काम किया कि मैं सिर्फ गाय के दूध का काम करता हूँ तो जो गाय आपने रखी हुई है ए, इसके मिल्किंग पर्पज़ के लिए तो उसमें कौन सी ब्रीड्स हैं? मेरे ख्याल से वो फ्रीजन जो है वो ज़्यादा अच्छा आ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हाँ ये बताइएगा अच्छा क्लाइमेट के हवाले से कौन सी ज्यादा बेहतर है अच्छा वैसे गाय अगर दूध की बात करें हमारी देसी गायें जो हैं जिसमें ये रेड सिंधी आती है या साहे आती है आ, उसके अलावा चोल्स्तानी गाय आती है चौलिस्तानी गाय दूध कम देती है ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है लेकिन साहेवाल हो गई रेड सिंधी हो गई ये इनकी बिल्किंग कैपैसिटी बहुत अच्छी है लेकिन फिर अगर मैं इनको कंपेयर करूँगा फ्रीजर से जर्जी से या फिर दूसरी जो आपकी ये डच काउज आती हैं इनके मुकाबले में इनकी कैपेसिटी कम है लेकिन मिल्क क्वालिटी का फ़र्क है देसी का जो दूध है वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में होता है फ्रीजन एंड जर्जी इनफेक्ट मेरे पास ऐसी भी गाय खड़ी हुई है जो कि दिन का जो है वो तीस तीस लीटर बत्तीस लीटर पैंतीस लीटर दूध देती हैं दो टाइम में तीन टाइम में भी चवाई होती है उनकी कभी कभी आ, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो अगर मैं देसी गाय से कंपेयर करूँ तो वो हल्की है उसका रीज़न ये है कि ये फ्रीजन एंड जर्जी जो है ये क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं है कराची के हिसाब से पंजाब में फिर ये बहुत अच्छी तरीके से चल जाती हैं और पंजाब में जो लोग इसका काम कर रहे हैं फ्रीजन एंड जर्जीज का या फिर जो आपकी इम्पोर्टेड काउज हैं ये कामयाब हैं इनको यहाँ पे ब्रीडिंग में, में बहुत मसला होता है क्योंकि वेदर थोड़ा सा हार्श है यहाँ पे ड्राई है कोल्ड है गर्म है।, है तो उनको ब्रीडिंग की वजह से बहुत इशू होता है कंसीव नहीं करती हैं बॉट कर जाती हैं तो उनको बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं अगर कोई फ्रेश का है जो इनका मिल्किंग पीरियड ख़त्म हो गया है उसको वापस पंजाब लेके जाते हैं मेट कराते हैं उसको वहाँ पे रखते हैं आठ महीने सात महीने उसके पूरे होते हैं प्रेगनेंसी के वापस आती है गए यहाँ पर फिर से उसकी डिलीवरी होती है और सेकेंड वो फिर अच्छा ये अब ये टेक्नोलॉजी तो एक ये भी आ गई है ना कि आप वो वो मेट करवाने नहीं सीमन सीमन की भी काम होता है लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कंसीव नहीं करती है कन्सीव करने में इशू होता है या वॉट कर देती है जस्ट बिकॉज वो वेदर फ्रेंडली नहीं है यहाँ की कराची के हिसाब से हाँ अगर कंट्रोल शर्ड वाला काम किया जाए तो उसमें फिर भी शायद काम होगा लेकिन उसमें भी ब्रीडिंग के एतबार से गायों को मसला होगा क्योंकि गर्मी तो के हवाले से कैसे क्या देखती हैं क्या फ्यूचर है इसका और बेनिफिट हैं आम आवाम को क्या फ़ायदे हैं इसके यार सबसे पहले अगर मैं बिज़नेस के अबार से बात करूँ हलाल काम है खूबसूरत काम है अल्लाह पाक ने, ने इस काम में एक जो है ना सुकून दिया हुआ है बरकत रखी है इस काम में सुकून दिया हुआ है आप जब खड़े होकर देखते हो ना अपने फ्लॉक को टाइम टू टाइम वो बढ़ता जा रहा है चार गायों से शुरू किया आठ हुआ दस हुआ पंद्रह हुआ अभी माशाला मेरे पास कोई फ़िफ्टी प्लस जो है वो मिल्किंग काउस हैं मैंने काम शुरू किया था चार गायों से जो मैंने छोटी एक जगह थी मेरे पास से स्टार्ट किया था अब माशाला फिफ्टी प्लस एनिमल्स हैं उनके बच्चे अलग हैं कुरबानी वाले जानवर अलग हैं तो एज अ बिज़नेस ये एक कामयाब चीज़ है लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर एक जानवर को समझ के उसके जो हैबिट्स हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए आप चलाओ तो ये बिजनेस लाजमी आपको फ़ायदा देगा क्योंकि वही वाली बात है अल्लाह पाक ने इस काम में बरकत रखी हुई है लेकिन वही वाली बात है जिस काम में बेमानी इन्वॉल्व हो जाती है या फिर आप जानवर को जो है ना उसे वो, वो अपने एक एसेट समझ के चला रहे होते हो बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो वो फिर बंदा वो काम नहीं कर सकता है में जानवर को एक लिविंग बींग समझो आप उसको अपना एसिड नहीं समझो कारोबार का कि यार गाय है दूध निकाला बच्चे को दूध नहीं पिलाया फारक कर दिया वैसी बाजारों में बेच दिया बच्चों को नहीं मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम है जो गाय जब भी कोई बच्चा देती है दो महीने तक उसका दूध नहीं निकाला जाता उसका बच्चा ही पीता है मैं भी आपको बच्चे भी दिखाऊंगा वो जो कि दूध पीते हुए बच्चे हैं आप मार्केट में अगर किसी और के बच्चों से या किसी डेयरी फार्मर के उन बच्चों को कंपेयर करो तो साइज़ में आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा कि यार उनके बच्चे बगैर दूध के कैसे पल रहे हैं और यहाँ पर जो गाय अपनी माँ के साथ बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ उनका दूध पीते हुए बड़े हो रहे हैं उनकी सेहत में उनके साइज़ में बहुत फ़र्क आता है तो वही वाली बात है अगर काम को उस जानवर को आप समझ के उसकी इज़्ज़त करके चलोगे तो वो फ़ायदा देगा अगर आप उसको सिर्फ़ एक कमर्शियल एसेट समझोगे तो फिर वो उसका ना वो आपको खुश करेगी ना आप उससे खुश हो गए ये एक छोटी सी ट्रिक है इसमें कोई बहुत कमर्शियल एडवाइस नहीं है लेकिन एक मैंने एक हैंड दे दी है लोगों को कि यार अगर काम करना है तो इस तरह से करेंगे तो अल्लाह पाक जो है वो बरकत भी देगा काम में और जानवर की इज्जत करो आपकी इज्जत करेगा अच्छा अमज भाई से भी बात करते हैं इनसे फ़ीड के बारे में पूछते हैं कि काओ को कौन सी फीड दे रहे हैं और कौन कौन सी इसमें पहले फ़ीड के बारे में पूछ लेते हैं फिर बाकी सवाल बाद में करते हैं अमज भाई सलाम्स खैरियत थैंक यू सो मच आप जो है आपने हमारे लिए टाइम निकाला वेलकम सर आपने बुलाया अच्छा अगर फ़ीड के हवाले से बात करें तो गायों में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ़ीड्स आती हैं बहुत सारी मिल्स खुल गई हैं कंपनीज खुल गई हैं जो कि तरह तरह की फ़ीड्स बना रही हैं लेकिन मैंने काफ़ी सारी फ़ीड्स एक्सपीरियंस करी हैं एक डॉक्टर डेरीज़ के नाम से फीड आती है तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस करी है मास्टर के नाम से फीड तो तो आती है दे दे तो ती तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस करी है तो जो है जो मास्टर फीड जो है वो मैं अपने जानवरों को चलाता हूँ तो उसमें जो है जानवर की ग्रोथ भी अच्छी है जानवर की मिल्किंग प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है और हर हवाले से जो है वो फीड बेहतरीन है माशाल्लाह खाली फीड ऑप्शन नहीं है कि आपसे फीड जानवर को दे रहे हैं उसके साथ आपने जो है उसको मिक्स हट्टी आती है वो भी आपको देनी है आपने उसको न्यूट्रिश भी देना है मतलब आपने उसको डीसीपी देना है आपको मिनरल्स देना है मिक्सचर्स देना है टॉक्सिन बाइंडर्स हैं तो जानवर की जो आपने न्यूट्रिशन है वो पूरी करनी है उसकी तो फिर वो मिल्किंग कैपेसिटी बढ़ाता है वंडा जो है वंडा क्या है वंडा वंडा बेसिकली जो है ना सारी चीज़ों को मिला के एक जो है ना टोटल मील है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वंडे में कोई मखसूस चीज़ नहीं है भाई ये चीज़ वंडा है ऐसा नहीं है मिक्सचर है आपने उसमें जो है चने का छिलका मिला दिया आपने उसमें चोकर मिला दी आपने जो टुकड़े जमा होते हैं रोटी के वो मिला दिए आपने दलिया मिला दिया तो सब चीज़ें एक मिला के एक मील बन गई जानवरों की वो वंडा कहलाता है तो वंडा तो कोई जो है कोई ऐसी वो नहीं है कि मार्केट में मिल रहा है वंडा भाई वंडा खरीद के मैं ले आया नहीं ऐसा नहीं है आप अपना दस्त तरीके से वंडा बना सकते हैं बस वो एक मखसूस नाम उसको दे दिया गया है सही है और इसका भी बताइएगा कि इनमें बीमारियाँ क्या मखसूस जो डिजीज हैं वो क्या क्या हैं और उसका क्योर क्या है वैक्सीनेशन का बताएँ अच्छा जो जो कॉमन बीमारी हैं इनमें सबसे पहले आती है एफएमडी जो मुंह खोर खिलाती है फुट एंड माउथ तो वो जानवरों में जो आती है उसका सीज़न आता है तो फरवरी मार्च में इसका सीज़न आता है तो हम जो है ना कोशिश करते हैं जानवरों को नवंबर या दिसंबर में एफएमडी की वैक्सीन करा लें ताकि जो है वो फरवरी में बीमारी आ रही है अच्छा वैक्सीन जो है वो दो महीने पहले आपकी होनी चाहिए क्योंकि तो वैक्सीन जो है एक वो जर्म है जो बॉडी में इंसर्ट होता है और उसके बाद फिर वो ग्रो करता है ग्रो करने में जो है वो टाइम लेता है थोड़ा तो उसको एक महीने दो महीने का टाइम चाहिए फिर वो ग्रो कर जाता है फिर वो एंटीबॉडीज स्ट्रांग हो जाती हैं तो फिर वो कोई भी बीमारी आपकी आए तो फिर उससे वो लड़ सकता है अच्छा दूसरी जो कॉमन बीमारी होती है वो होती है गलगोट गलगोट एच भी कहलाती है इसको एच कहता है अच्छा ये होती है थ्रोट इन्फेक्शन होता है जानवर के थ्रोट में ज़रा सा फैट आ जाता है तो जिसकी वजह से वो सांस लेने में उसको मसला होता है जब वो सांस लेने में मसला होता है तो उसमें आवाज़ें बहुत ज़ोर से वो मतलब जान मार रहा होता है सांस लेने में रिस्पायरेट तो उस वजह से जो है ना वो जब इतना उसको रेस्पारेटरी इशू होता है तो वो उसमें जो है ना मर भी जाता है कभी कभी तो इस वजह से जो है ना वो भी डिजीज़ होती है तो वो भी मोस्टली सारी जो है ना तकरीबन जब मौसम चेंज होता है सर्दियाँ इसमें जब ज़� मौसम ठंडा होता है तो उस वक्त जानवरों को आती हैं तो हम उसकी वैक्सीन जो है वो करा के रखते हैं एफ़ और एच जो ये दो कॉमन वो हैं लेकिन अब जो है पिछले साल से एक ख़तरनाक बीमारी जो लंपी जो, जो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी किसी ने स्किन डिजीज़ वो भी आई है तो हमने हमने तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है तो हमने तो इस साल जब हमने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस कर ली तो इस साल हमने उसकी भी वैक्सीन करवा दी आपके है को हुआ था? जी, जी जी जो है क्या कहते हैं हमारे जानवरों को हुआ था लेकिन कोई भी जानवर जो है वो लॉस नहीं हुआ सारे हमने हुआ है आज तक तो। है मेरी गाड़ी खड़ी है उसमें भी हमारे पास स्प्रे कर लगती है और पूरी सोसाइटी में स्प्रे करवाते हैं तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पीस बत्तीस फार्म हैं hmm. तो सब में इस तरह से ये स्प्रे जो है वो हम लोग वीकली चलवाते हैं उसके अलावा मेक श्योर करते हैं कि सोसाइटी में जितने भी जानवर खड़े हुए हैं वो वैक्सीनेटेड हैं सारे क्योंकि जहर सी बात है एक जानवर जो है ना वो पूरी सोसाइटी खराब बाकी लंबी के बारे में डिटेल में आपको जो है इन शाला जो है ना थोड़ा सा मैं, 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 मैं सोसाइटीज़ के वाले से बात करूँगा कि कैटल सोसाइटी या डेरी सोसाइटी में बैठते हो तो उसमें क्या क्या एज अ सोसाइटी मेंबर आपकी वो क्या बोलते हैं जिम्मेदारियाँ होती हैं क्योंकि आप कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी आपने देखा है कोरंगी में लांडी में आपका ये नागोरी है हाईवे पे जमीन सोसाइटी है बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं हमारी सोसाइटी का फ़ायदा यह है कि मैंने दूसरी किसी सोसाइटीज़ में नहीं देखा अच्छा जानने वाले सब जगहों में बैठे हुए हैं हमारे तो वो भी देख के बहुत लोग एडमायर करते हैं कि यार जिस तरह लंपी में हमारी सोसाइटी वालों ने एक होके अर्जेंट मीटिंग्स बुला के जिस वक्त डायग्नोज हुआ था ये ऑलमोस्ट दिसंबर एंड था लास्ट ईयर का जब डायग्नोज़ हुआ था एक पीछे वाले फॉर्म पे तो वहाँ पर हमने अर्जेंट मीटिंग बुलाई सारे सोसाइटी के जितने भी फार्मर्स बैठे हुए हैं बड़े बड़े फार्मर्स भी हैं यहाँ पे सब आके बैठ के हमने सबने डिसाइड किया कि यार एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि एक जानवर भी अगर खराब खड़ा हुआ है तो वो सबके लिए हार्मफुल है बिल्कुल तो हम मेक श्योर करते हैं कि यार सारे जानवर जो जान हैं वो प्रॉपरली लंपी वैक्सीन उस टाइम पर भी हो गए थे और अब इस साल जब दोबारा आएगी लंपी तो उससे पहले अभी अलमदुल्ल हमारी सोसाइटी में सारे जानवर लंपी वैक्सीनेटेड खड़े हुए हैं उससे पहले नहीं थी उससे पहले एक दफ़ा आई थी सिक्सटीज़ में लेकिन वो इस लेवल पर नहीं आई थी पुरानी बीमारी है इस नथिंग न्यू और जो लोगों ने इतनी बड़ी उसको मसला बना दिया था कि यार इसका गोश्त खराब है इसका दूध खराब है ऐसा सिस्टम नहीं है स्किन डिजीज़ थी हाँ जानवरों का बहुत नुकसान हुआ फार्मर्स का बहुत नुकसान हुआ लेकिन एक वो आपको पता है ना कराची में जब हवा चलती है तो सभी उसके साथ लपेटे में आते हैं तो वो बहुत खतरनाक तो सोसाइटी वालों का एक ये बड़ा अच्छा मैं उन पर जो है अप्रिशिएट भी करता हूँ उसको मेरा अपना किरदार बहुत ज़्यादा था सब जगह आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना कि यार सबके जानवरों का ख्याल कराया जाए अभी भी हमने मेक श्योर किया हुआ है ऑलमोस्ट तीस बत्तीस यहाँ फार्म फार्मर्स बैठे हैं सोसाइटी में गुलमोर सोसाइटी में सबके जानवर लंपी वैक्सीनेटेड हैं दूसरी वैक्सीन जो है वो तो खैर पुरानी हो गई कराएं नहीं कराएं वो उनका अपना मैटर है लेकिन लंपी का हमने मेक श्योर किया क्योंकि इतनी ज़्यादा जो एक वायरल डिजीज़ होती है वो हर किसी के लिए ख़तरनाक है स्प्रेज़ के हमने जो है बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है हमने सब सोसाइटी वालों ने मिलकर एक स्प्रे गन खरीदी जो कि आप देखते हैं ना गली मोहल्लों में सुजुकी पे रखे हुए जारी होती है तो वो मेरी गाड़ी खड़ी है वो अभी भी वीकली दो दफ़ा हमारी सोसाइटी में जब लंपी गुजर गए उसके बाद से अब तक ये प्रैक्टिस है कि हफ्ते में दो दफ़ा हमारी पूरी सोसाइटी में इस तरह से वो जो है डिसनफेक्ट किया जा रहा होता है स्प्रेस के जरिए से उसके अलावा दूसरे जितनी भी चीज़ें हो गई लंपी के प्रिवेंशन मतलब हर फार्मर्स जो हैं वो चूने का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोशिश ये करते हैं कि यार अननेसेसरी एक दूसरे के लंपी के सीजन के टाइम पे अननेसेसरी एक दूसरे के फार्म में नहीं जाएं या जानवर आगे भी एक्सचेंज ना करें और जो हो भी रहा है तो भी उसको क्वारंटीन करके प्रॉपर हफ्ता चेक करके कि वो सही है फिर अपने जानवरों में मिलवाएं तो इस इस एतबार से ना सोसाइटी वालों ने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया समझा फाइनेंशली भी आगे बढ़ चढ़ के आगे आए और इमोशनली भी फिजिकली भी सब मतलब हम रात दिन यहाँ पे खड़े होते थे जिसके भी फार्मर ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर लंपी वायरस नहीं आया हुआ सामने वाले फार्म पर आया है, तो हम लोग भी जाके वहाँ पे खड़े होते थे क्योंकि कल को वो मेरे जानवर को भी हो सकता है तो हम सब मिलके उनका इलाज करते क्योंकि आपको पता है कैटल की फील्ड में जो है ना ये पंजाब तो है नहीं या डंगर नहीं। जो है ना मगर जो है अवेलेबल नहीं होते जो डॉक्टर्स होते हैं सही बात है तो हम लोग खुद ही सारे जो है इलाज वैक्सीन सब चीज़ें जो है खुद ही देखनी पड़ती है सपोर्ट चीज़ों का एंड अलमदिल्ला के इस साल लंपी में गवर्नमेंट ने काम भी बहुत अच्छा किया है फार्मर्स के लिए लाइफ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो है आपका मलिर बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है सब फार्मर्स को सपोर्ट किया है एक 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 पेज पे लेकर आए हैं सबको टर्की से वैक्सीन अर्जेंट तौर पे इंपोर्ट कराई सब सोसाइट फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट किया सही है थोड़ा सा देर लेकिन काम हुआ अच्छा लगा ये देख के सारे फार्मर्स को सपोर्ट मिला हमें

अच्छा दूसरे वो लोग हैं जो कि मंडी अवॉइड करते हैं आजकल के का अपना सीज़न देखा है पिछले दो साल से मंडी में बारिशों की वजह से बहुत बुरे हालात हैं या छीना झपटी चोरी चकारारियाँ इस तरह से या फिर वो कोरोना वायरस आ गया था उसमें लोगों ने अवॉइड किया मंडी जाना ऐसे पब्लिक प्लेस लोग अवॉइड कर रहे होते हैं तो ये दो जो हैं बेसिकली जो है ना हमारे क्या बोलें सपोर्ट करते हैं इस काम में हमें जो जानवर पलवाना चाहता है वो और जो मंडी अवॉइड करना चाहता है वो भी आके फार्म से खरीदते हैं जानवर तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि अपनी स्लॉट्स इस तरह से रखें एक तो जो पलाई वाले जानवर हैं वो अलग खड़े में और एक कुछ आपके पास जानवर एक बैच ऐसा हो कि जो आपके पास वॉक इन कस्टमर आ रहा है तो उसके लिए भी अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए चीज़ें कुछ के ऐसा नहीं है कि सभी आपने बिका हुआ माल खड़ा किया हुआ है तो कोई वॉक इन कस्टमर को इंटरटेन नहीं कर रहा इस तरह नहीं है मालाम पर दूसरा भी होता है पिछले साल ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कुर्बानी के माल में तो अल्लम्दुल्डा बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिला कोई तकरीबन मैंने साठ पैसठ बछड़े हमने तैयार किए थे और उसके बाद बेचे अच्छा जिनमें कुछ बछड़े ऐसे भी थे जो कि मेरे हमारे अपने घर के थे जिनको छः छः महीने के थे जब मैं ख़रीद के लाया हुआ था शौक में अपने घर पर रखा हुआ था एक बछड़ा दो छोटे वाले फॉर्म में वहाँ पर चार बछड़े रखे हुए थे तो अल्लम्दुल्डा वो भी एक क्या बोलते हैं एक इमोशनल अटैचमेंट थी।, थी उन बछड़ों से वो भी हमने ख़ैर कुर्बानी के अल्लाह के राम में आगे दिए मैं कुर्बानी करूं या मैं किसी को आगे देता हूँ वो अपनी कुर्बानी करता है फैमिली के साथ ले जाकर तो वो सवाब दोनों को मिलता है पालने वाले को भी कुर्बानी वाले को भी तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा दूसरा पलाई के जो हवाले से अगर आप बात करना चाहते हैं तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल करूँ वो बात अलग है कि यार, यार दलिया ही अगर लोग लोग रख भी सकते हैं पलाई का मकसद बिल्कुल, है कि अपने जानवर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड कुर्बानी के टाइम अपने कुर्बानी के टाइम पे आके जानवर ले जाएं डिलीवरी करवानी मैं डिलीवरी करवाऊँ इवन के लास्ट टाइम मैंने कुछ लोगों को स्लॉटर सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करके दी थी कि बस चार पीस उनके पास गोश्त के वो उनके घर पर पहुँच गया तो उसमें भी लोग बड़ा खुश हुआ लेकिन बहुत सारे कराची के लोग चाहते हैं कि यार जानवर हम खुद लेके जाएँ घर पे मोहल्ले में टलाएँ घुमाएँ वो अच्छा कोशिश हम लोग यही करते हैं कि ऑर्गेनिक फीड पे जानवर को पालें वो अलग बात है कि बाज़ार से ही पेस्टिसाइड वाला अगर दलिया मिल रहा है लेकिन मैं तो दलिया ही खरीद रहा हूँ ना मैं कोशिश करूंगा कि यार कोई फीड पर जानवर नहीं पालूँ जिसमें मुझे नहीं पता क्या है वो वैसी आपको पायलट्स की शक्ल में आ रही है या फिर वो चूहे की शकल में आ रही है आयरन नो उसके अंदर क्या है कोशिश ये करता हूँ कि रो आइटम लेता हूँ जिसमें आपकी चनाटी हो गई है दलिया हो गया है मकई दलिया हो गया है टुकड़ा हो गया जो कि रोटी है आपका उसके अलावा शीरा हो गया है गुड़ हो गया है ये सारी चीज़ें मिला के एक वंडा तैयार करते हैं जिसमें और टोटल ये सब ऑर्गेनिक आइटम है छिलका है काले छिलके का चने की अट्टी भी अलग अलग वो देती है फ़ायदा और एक काला छिलका जो काली छिलका होता है वो अलग फ़ायदा देता है जानवर को इन सारी चीज़ों से इंपॉर्टेंट जो है उनको बताऊँगा वो जानवर का है रूटीन जी एक रूटीन एक होता है सीजनल रूटीन जो कि आप हर सीजन में रिपीट कर रहे होते हो और एक होता है डेली रूटीन डेली रूटीन आपके जो लेबर है बहुत अच्छी तरीके से जानती है करना किस टाइम पे खाना देना है कब पानी पिलाना है कब छोड़ना है इनको कब इनकी एक्सरसाइज करानी है कब इनको वॉक करानी है बाकी जो सीजनल रूटीन है जिस तरह सर्दियों के टाइम पे इनको इनके जो है वो जिगर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है किस टाइम पे इनको दही इनको तेल मिला के इनको लस्सी देनी है ताकि इनका जिगर ठंडा रहे जब जानवर का जिगर ठंडा होगा जानवर हमेशा ग्रो करेगा सेकेंड थिंग सर्दियों में जबकि इनको सर्दी लग रही है तो आपने कुछ इनको ऐसी झज़ा देनी है जिससे इनको इंटरनल गर्मी रहे तो उसमें आप जो है वो घी का इस्तेमाल करते हो गुड़ का इस्तेमाल करते हो जवाइन का इस्तेमाल करते हो शीरे का इस्तेमाल करते हो तो ये जो सीजनल एक प्रोटोकॉल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर कुर्बानी से पहले अगर आपने थोड़ा सा जानवर को फैटनिंग थोड़ी बहुत चर्बी गोश में भी अच्छी लगती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्बी लोग बोल के जो है वो माल रिजेक्ट कर दें थोड़ी बहुत गोश में भी चर्बी अच्छी लगती है उसके लिए लोग मक्खन भी देते हैं दूध भी देते हैं मेरे पास तो माशाला दूध का इतना अच्छा सेटअप है मैं अपनी जानवर अपनी गायों को ही दो दिन को बिलवाता हूँ कुरबानी में तैयार करने से पहले तकरीबन वो एक से डेढ़ महीना चलता है जानवरों को जिसमें जानवर जो है अपना फैट निकालता है अपना खूब खड़ा होता है उसमें उनकी सलामी बनती है गर्दन चौड़ी करता है मक्खन से दूध से शाइन आती है किस्मिन स्किन के ऊपर इनकी तो इसके बारे में बताइएगा पैकेजेस यार मेरे पास जो है ना तीन किस्म के पैकेज हैं एक हमारा ये पैकेज है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है तीस हज़ार रुपये में मेरा वी आई पी पैकेज आता है जिसमें जानवरों को uh, सारी वैक्सीन अच्छा वैक्सीन तो छोटे वाले पैकेज में भी शामिल है वैक्सीन इज़ समथिंग वेरी कॉमन डी वार्मिंग वैक्सीन uh, ड्रेंचिंग ये बड़ी कॉमन चीज़ है ये तो सारे जानवरों को मैं करवाता हूँ सेकेंड uh, जो वी आई पी पैकेज है वो मेरा थर्टी थाउजेंड से स्टार्ट होता है uh, पर मंथ जानवरों का अच्छा उस पर भी ये एक, एक एक थोड़ा सा वो प्रो, प्रोटोकॉल ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे चार मन का बछड़ा ला के दे दिया मैं उसको तीस हज़ार रुपये नहीं पालूंगा ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना खाएगा नहीं, नहीं। जानवर हाँ ये तीस हज़ार रुपये जो है आठ मन नौ मन वाले से ऊपर जो जानवर होते हैं उन पर अप्लाई होता है छः से आठ मन वाले जो जानवर होते हैं उन पर पच्चीस हज़ार रुपये वाला पैकेज आता है चार मन या चार मन से कम वाले जानवर होते हैं उन पर बीस हज़ार रुपये वाला पैकेज आता है जानवर अच्छा प्रोटोकॉल सबका सेम रहता है वैक्सीनेशन डीवॉमिंग का साथ में जो चीज़ें ऐड करते हैं वो मैंने जो सीज़नल रूटीन आपको बताया जिसमें इनका दही तेल घी मक्खन दूध ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं ये सीज़नल पैकेज आता है और जो डेली रूटीन है उसमें अच्छा बहुत सारे हमारे पास एक ब्रोशर बना हुआ है उसमें नीचे वर्कआउट भी लिखा होता है तो लोग उसको बोलते हैं जानवर कैसे वर्कआउट करता है मैंने कहा वर्कआउट इज़ नॉट दैट के यार वेट लिफ्टिंग करा रहे हो जानवर से या वज़न खिंचवा रहे हो वर्कआउट एक डेली जानवर की रवानगी से साथ जो चलान होती है उसकी शाम के टाइम पर जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट करती है वॉक उसको खाना डाइजेस्ट होता है दूसरा जानवर का मसल खुलता है जब मसल खुलता है उसको वो ग्रोथ भी वैसी करता है उसकी टाँगें भी सीधी रहती हैं यहाँ पे लोग खड़ा करके खिलाने का जो है ना पर्पज़ नहीं है कि जानवर जो है उसकी टांगों में इतनी जान नहीं है अपने वेट ऊपर परतना डाल दिया बेचारे से खड़ा नहीं हो जा रहा जो कि बकरों की हालत आप देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ होते हैं ऐसा नहीं वो वो जानवर फिट नहीं है लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बूस्टर्स लगा के जानवर को उसकी कैपेसिटी देखे बगैर उनके ऊपर गोश चढ़ा रहे हैं लग रहे हैं तो एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होते हैं इस काम में थोड़ी सी मिसकनसेप्शन एक मिथ बना हुआ स्ट्यूरोड्स नहीं होते हैं लेकिन डिफरेंट किस्म के बूस्टर्स होते हैं जो कि उनका... होते हैं। बहुत है कॉस्टिंग में नहीं आ सकता आ, लेकिन बूस्टर्स कुछ इस तरह के यूज़ होते हैं जिसको आप स्टीरोड्स बोल सकते हैं जो कि जो है आपका मीट कैपेसिटी को बढ़ाते हैं जानवर के उसका फिर एक्चुअली ग्रोथ बढ़ा रहे होते हैं उसमें हड्डी भी चौड़ी हो रही होती है जानवर में एक वाज़ फ़र्क नज़र आ रहा होता है जिस जानवर की नस्ल कुछ भी नहीं है वो आप उसको बूस्टर लगाओगे तो जानवर अपनी शक्ल वकल सब बदल लेगा तो वो जो है हार्मफुल है इस अतबार से कि उसके ऑर्गन सपोर्ट नहीं करेंगे फिर उसको इतनी उनके ऊपर वेट आ जाएगा आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे बड़े जानवर खड़े होते हैं मंडी में उनको बेचारे की जो है ना वो इनका मसल देखो वो सांस खींच के ले रहे होते हैं उसका रीज़न ये है कि उनकी बॉडी पर फैट इतना है कि उनके सारे ऑर्गन जो है वो दबरे दबरे जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसको चलने में प्रॉब्लम हेल्दी नहीं है जानवर सही है वो अपने अपने लोगों की खूबसूरती है किसी को वो खूबसूरत लगते हैं किसी को फिट जानवर खूबसूरत लगता है तो उस पर मैं कोई कमेंट इस तरह का नहीं करूँगा या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूँगा कि यार ये गलत है ये सही है सबके अपनी खूबसूरत है मेरे लिए 25 लाख वाला जानवर बड़ा अच्छे से चला नहीं जा रहा है वो खूबसूरती है आपके लिए एक दो लाख चालीस हज़ार रुपये वाला दो लाख अस्सी हज़ार रुपए लेकिन माशाल्लाह फिट है भाग रहा है आपके लिए वो खूबसूरत है तो वो कुर्बानी है कुर्बानी एक समथिंग वेरी पर्सनल आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते हो कि यार तुम ये दिखावा करने के लिए इतने महंगे जानवर लिये नहीं भाई जो बंदा दो करोड़ रुपये महीने के कमा रहा है उसके लिए बीस लाख रुपये का जानवर खरीदना क्या मसला है अल्लाह पाक उससे उसकी कुर्बानी एक्सपेक्ट करता है अगर वो दो करोड़ रुपये महीने वाला कमाने वाला अस्सी हज़ार रुपये का बछड़ा लेकर आ जाए अपने घर पर तो ना अल्लाह खुश होगा ना उसका जमीर खुश होगा उससे कि यार अपनी इसदाद के हिसाब से कुर्बानी करे बंदा जानवर की कुर्बानी वही है जो आपको दिल से खूबसूरत लगे बिल्कुल हज़रत अच्छा। 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 इब्राहिम सलाम नेटी ने की कर्बानी दी थी तो जो जानवर को देख के आपको लगे कि हाँ यार मैं मैं छुरी फेरने से पहले दो दफ़ा सोचूँगा उसकी कर्बानी करो भले में बीस लाख में पच्चीस जानवर लेकर आ सकता हूँ लेकिन उन पच्चीस में से छुरी चलाने से पहले मैं एक दफ़ा भी सोचूंगा नहीं वो बड़ी चल रही होगी छुरी एक फ्लो में बीस लाख का एक बछड़ा खड़ा हुआ होगा दिल को लगा हुआ है प्यार से पाला हुआ है मोहब्बत से पाला हुआ है दो दफ़ा मैं वैसी सोचूंगा उस पर पे छुरी पहले से पहले फिर वही बात की है वही वाली बात है अल्लाह की रज़ा के लिए कह रहे हैं कुर्बानी कितनी बड़ी हुई अच्छा थैंक यू सो मच बिलाल भाई आपने टाइम दिया बातें बड़े मज़े मज़े की लेकिन की लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से क्योंकि वीडियो अपलोड करनी होती है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और अभी तो इन शाला तला आपसे आगे जो है रबते में रहेंगे ताकि लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले बिलाल भाई थैंक यू सो मच आप आए टाइम दिया आपने हम लोगों को अच्छा लगा पाए वैसे सही बोल रहे हैं कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है वीडियो की लिमिटेशन होती है वरना जानवरों का टॉपिक आपके लिए भी मेरे लिए भी ऐसा है कि हम दो दिन भी बैठे रहें तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी शौक का काम है सारा मेन जो हमारे बिजनेस हैं वो अलग हैं अमश भाई का भी डिफरेंट काम है मेरा भी डिफरेंट काम है लेकिन बस लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जानवरों की मोहब्बत के लिए जानवरों को सर्व करने के लिए यहाँ बैठे में सुकून मिलता है हम लोगों को भी बैठ के तो फिर से एक दफा थैंक यू आप आए मुलाकात की और इन आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा हमारी तरफ से भी पब्लिक की तरफ से भी ठीक है थैंक यू सो मच